हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं सत्यम श्रीवास्तव आप सभी का अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। तो दोस्तों, यहां आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बुक के रिव्यू को हम लोग यहां पर देखेंगे कि उसमें हमको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, जो कि हमारे यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे आप लोग आरओ का दे रहे हो, चाहे आरओ का दे रहे हो, ठीक है, उसमें ये काफी यूजफुल होगा। तो कौन से तीन बुक है जो कि हम लोग अपने पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने उसको पढ़ लिया तो आधे से ज्यादा चीज आपका उसमें कवर हो जाता है, ठीक है। तो उस तीन बुक के बारे में मैं आपको रिव्यू दूंगा जो कि मेरे पास यहाँ पर इस वक्त है। इस तीन बुक के बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस तीन बुक का ये सेट है वो मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके यहाँ पर। तो सबसे पहला जो यहाँ पर है गाइस वो है पॉलिटी का, ठीक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस की ये जो यहाँ पर है उसको लेकर के हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो जो ये जो पहली बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पहली बुक, ठीक है, ये पहली बुक है, ठीक है, ये आप इसे पढ़ लेगा, ये राज्य व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है, पहली बुक ये, ठीक है, ये पहली बुक। इसका थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसके अंदर का क्वालिटी कैसा है, वो सब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब आप देखोगे तो यहाँ पर इसमें इस बुक में दोस्तों 1900 से लेके और 2020 तक के जितने भी यूपी पीसीएस में यहाँ पर क्वेश्चंस आए हैं या फिर किसी अन्य स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चंस आए हैं या फिर यूपीएससी में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सारी चीज़ों का इसमें संग्रह किया गया है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हमको लगी कि आपको जितने क्वेश्चंस आ चुके हैं, फिर चाहे वो पीसीएस का हो या फिर स्टेट पीसीएस का, यूपी पीसीएस का हो या फिर यूके पीसीएस का हो, बिहार पीसीएस का हो या यहाँ तक कि यूपीएससी का भी यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर दिया गया है, ठीक है। तो इस बुक को लेने का एडवांटेज, पहला एडवांटेज ये है कि इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, बेहतरीन फॉर्म में मिलेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ आपको यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। तो उसे थोड़ा सा हम लोग यहां पर देखते हैं कि कैसे क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप यहाँ पर स्टार्ट करोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा पहला चैप्टर, ठीक है, पहला चैप्टर ये है आपको, ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा, पहला चैप्टर ये है। साथ इस कैमरा की वजह से आपको ना दिख रहा हो बट मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ आपको पहला चैप्टर, वन सेकेंड, चलिए ठीक है। So, पहला चैप्टर ये है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो पहला चैप्टर हमारा क्या है इसमें, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, ठीक है, अभी मैं इसका आपको प्रीव्यू दे दूंगा, ठीक है, कैसे इसमें क्या है, इसमें ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, ऐसे इसमें यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है, इसको ऐसे दिया गया कि यहाँ पर दोस्तों देखिए हर, ठीक है, हर मतलब उसको समझा करके यहाँ पर क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, तो काफी अच्छा है, इसे आप लोग करिएगा। तो ये पहला सेट था। दूसरा सेट इसका यहाँ पर मेरे पास जो है वो है ज्योग्राफी का, सामान्य भूगोल का दोस्तों, ठीक है, ये ज्योग्राफी का है, इतनी मोटी बुक है, इसकी प्राइस यहाँ पर है 312 रुपये, बट अगर आप ऑनलाइन लोगे तो ये कुछ कम में भी मिल जाएगा, ऑनलाइन ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर भी उपलब्ध है, मैं लिंक यहाँ पर नीचे प्रोवाइड करवा देंगे, आप वहाँ से इसे परचेज कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये घटना चक्र का जो हमारा जो सामान्य भूगोल है ये भी उसका जो फॉर्मेट है ये है, ठीक है, इसमें भी पूरा का वही चीज़ अपनाया गया है, 1900 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस तो उसको इसमें तो है ही है, साथ में आपका बेसिक से लेके पूरा फुल आपको यहाँ पर इसकी प्रिपरेशन इसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसमें दिखाया गया है, मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर दिखाई गई है आपको, अगर दिख रहा होगा कैमरा में, ठीक है, अभी मैं इसका आपको सब दिखा दूंगा, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप तो इतनी मोटी ये बुक है, ठीक है, इतनी मोटी ये बुक है, ठीक है। नेक्स्ट बुक जो हमारे पास आती है वो आती है दोस्तों इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की, ठीक है, सबसे पतली है ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की, ठीक है, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के बारे में यहाँ पर है दोस्तों, ये भी काफ़ी बहुत ही यूजफुल बुक है और इसमें से जो भी यूपी पीसीएस में और यूपीएससी में भी कुछ जो क्वेश्चंस आए हैं उसको भी यहाँ पर शामिल किया गया है और काफ़ी बेसिक से इसमें इन्वायरमेंट को समझाया गया है दोस्तों, काफ़ी बेसिक से इसमें इन्वायरमेंट इसमें समझाया गया है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने टिक भी किया हुआ है, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, काफ़ी इसमें इमेजेस लगा के और काफ़ी अच्छे से नोट्स बना के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, क्वेश्चन दे के नोट्स बना के सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, ये अभी मैं इसका तो टोटल यहाँ पर जो सेट है वो टोटल जो सेट है यहाँ पर दोस्तों वो
आठ सेट आते हैं। फिलहाल मेरे पास तीन सेट यहाँ पर अभी हैं, तो मैं तीन तीन बुक का मैं रिव्यू कर दिया। लेकिन अगर आप PCS दे रहे हो तो इस बुक को बिल्कुल आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। आप बहुत सारी मोटी बुक पढ़ लीजिए, बहुत सारी हिस्ट्री की पढ़ लीजिए, बहुत सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, बस PCS में क्वेश्चन कैसे आते हैं, वन लाइनर आते हैं, तो उसमें उस क्वेश्चन कैसे आते हैं, कहाँ से आए, कौन क्वेश्चन आए, इन सारी बुक में आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका रिव्यू करना चाहता था, ये मैंने ऑनलाइन ही यहाँ पर आया था मेरे पास भी, ठीक है। तो इसका मैंने रिव्यू किया है और ये बुक आप ले सकते हो, ठीक है। 99% मैं यहाँ पर श्योर हूँ कि आप इस बुक का फायदा आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। और घटना चक्र यहाँ पर आपको टॉपर्स भी आपको बताते होंगे कि यहाँ घटना चक्र इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप घटना चक्र ले लीजिए, आपकी तैयारी पूरी हो सकती है इस चीज से, ठीक है। तो ये तीन बुक का मैंने आपको रिव्यू दिया है और इस तीन बुक को अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो मैं इस तीन बुक का जो सीरीज है वन बाय वन मैंने स्टार्ट भी किया था एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का, इसी अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। आप लोग उसे देख सकते हो, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया था, ठीक है। इसी बुक से मैंने स्टार्ट किया था, इसी बुक से, बट आपने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो इसीलिए मैंने उसको उसके आगे मैंने सीरीज नहीं बढ़ाया है, बट मैंने स्टार्ट किया है इस बुक का, ठीक है। अगर आप उसको यहाँ पर जाके देखोगे, हमको बताओगे कि यहाँ इसे आगे करना, तो मैं इसे आगे भी करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यहाँ पर थोड़ा बहुत यूजफुल लगा होगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा बहुत यूजफुल लगा होगा और तो बताइएगा, और आप इसका लिंक जो है वो नीचे जा करके फ्लिपकार्ट से भी इसे परचेज कर सकते हो, अमेजोन से भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। और रेट ऑफलाइन से ऑनलाइन थोड़ा आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था इसके बारे में, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा, और बताइएगा कि अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो मैं इसकी सीरीज शुरू कर सकता हूँ यूट्यूब चैनल पर, बट उसे उस पहले आपको ऑर्डर करना होगा इसके लिए, ठीक है, तभी मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, और मुझे आप अनअकैडमी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय एंड सी यू।